टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। 5 साल की मान्या का अपहरण हुए 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक बच्ची का पता नहीं लगा पाई है। दरअसल मामला टीपी नगर के मुल्तान नगर का है, जहां 5 दिन पहले 5 साल की मासूम का अपहरण करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। एक तरफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरणकर्ताओं की फोटो को पोस्टर पर चस्पा कर 72 घंटे से लापता बच्ची का पता लगाने का प्रयास तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बच्ची की मां ने पुलिस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि रोज रात को थाने के सिपाही उसके पति को ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं, कभी करंट लगाते हैं, कभी ब्लेड से टॉर्चर करते हैं। सुनिए मासूम के पिता धीरेंद्र से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका? धीरेंद्र जी, क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ में अभी तक, क्या आपको कहना चाहते हैं? मैं सोया हुआ था, 2 बजे मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी जो है घर पे नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, 10:30 बजे की बताओ ना, देख आने के बाद मैंने जो है रिपोर्ट भी कराई, सारे काम करे मैं जितना मुझसे हो सकता था। अब बार बार पुलिस ये की सवाल कह रही है कि इस तरह से बच्ची कभी पहले नहीं गई इस मामले में, तो मैं भी जो है ताज्जुब में हूँ क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हल्की सी भी आहट होगी तो मुझे जो है पता लग जाता था, पर मैं खुद को ही कोस रहा हूँ कि मेरे जो है साथ पास में लेटे हुए भी और फिर भी ऐसा हो गया। मैं तो खुद ही इस चीज़ से परेशान हूँ। बार बार मुझे पूछा जाता है कि तूने गायब करी है, तूने ये कराया, वो तेरे पास आया है, ये किया है, वो किया है, बताओ। इस तरह से कोई बाप अपनी जो है बेटी के साथ करेगा, जिसने अपनी 1 महीने की बच्ची जो है अपनी छाती से लगा के पाली है, दिन में अपनी नौकरी करनी, रात में अपनी बच्ची रखनी, क्योंकि मेरी घरवाली भी काम करती है, दुनिया भर की बात हुई है मुझसे रात। उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि तूने कहीं भेक दी, गाड़ दी, कहीं मार दी, क्या कुछ करा है, दुनिया भर की हमारे साथ जो है। एसएसपी रोहित सिंह ने बच्ची की बरामदी को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द बच्चे का सुराग लगाया जाएगा। तभी पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पोस्टर चस्पा किए हैं। सुनिए एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने क्या जानकारी दी। सर, एक बच्ची को अगवा कर करके कुछ युवक ले गए थे, उसके बाद में अभी तक कोई पता नहीं लगा है। पुलिस पोस्टर लगा रही है, क्या है मामला और कितने पोस्टर लगाए? थाना टीपी नगर के अंतर्गत 4 दिवस पहले एक 5 वर्षीय बालिका रात्रि को 11 बजे अपने घर से निकली थी। घर में उसके पिता सो रहे थे और जब वो घर से 200 मीटर बाहर निकली तो एक जो कोई उसमें सीसीटीवी फुटेज में युवक दिख रहा है जो उसको लेके चला गया। पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो बालिका है उसकी खोजबीन का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस के द्वारा वहाँ पे 1500 पोस्टर्स भी लगाए गए हैं पूरे क्षेत्र में, और इस 1500 पोस्टर लगाने के बाद उसमें इनाम की भी घोषणा की गई कि जो कोई उसमें सूचना देगा तो उसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। और जो युवक है जो उसको लेके चला गया, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अखबार के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से उसको हर जगह भेजा गया है, जिससे कि जो भी लोग उसको पहचान पाएँ तो पुलिस को तत्काल ही उसको सूचित करें और पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले, जिसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जो बालिका है उसको बरामद किया जाएगा। सर, पुलिस की इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम सब फेल हो चुकी है, पुलिस अब तांत्रिक के पास जाना शुरू कर दिया। नहीं, आपका आरोप बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। इसमें जो मामला है, जो बालिका के माता पिता संभवतः जो अखबार में लिखा है कि वो शायद कहीं गए थे, इसमें पुलिस का ऐसा कोई रोल नहीं है। सर, बच्ची के जो परिजन है वही पुलिस के पे आरोप लगा देंगे? युवती जो बालिका के परिजन है वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं। मेरी भी कई बार उनसे बात हो चुकी है, एसपी सेटी की भी बात हो चुकी है और वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं। सर, बच्ची को ढूंढने की पुलिस की तरफ से क्या खास प्रयास किए गए? पुलिस के लिए, पुलिस के द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किए गए, जिसमें 1500 पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें सर्विलांस टीम की मदद ली गई है। पुलिस की जो टीमें हैं, 10 टीमें लगातार ही घर घर जाकर आसपास के लोगों से पहचान के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो, क्योंकि जो उसके पिता घर पे उस वक्त थे, इसके अलावा उसकी जो पिता और जो माता हैं उन दोनों की दूसरी शादी थी, उनके जो पूर्व के मामले थे उन सभी को देखा जा रहा है, जिससे कि इसका जल्दी से सुराग मिल जाए। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीसीटीवी के जरिए अपहरणकर्ताओं की पहचान हो गई है, तब भी पुलिस खाली हाथ क्यों है और परिवार वालों को क्यों टॉर्चर कर रही है?
अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।